शिखास किचन। दोस्तों शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों उस रेसिपी को। दोस्तों आज मैं आपके साथ प्याज और कच्चे आम की बहुत ही स्पेशल चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और एक लिया है मैंने कैरी कच्चा आम, और साथ ही 6 से 7 मैंने लाल मिर्च ली है। आप लाल मिर्च यदि कम खाते हैं, कम तीखी चटनी पसंद है, तो 1-2 आप कम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने खड़ा धनिया लिया है। खड़े धनिए से दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में सबको बहुत मज़ा आएगा इस चटनी को खाकर। तो सबसे पहले कैरी को मैं इस तरह से इसका छिलका उतार लूँगी, और छिलका उतारने के बाद बारीक बारीक टुकड़ों में हम इसे काट लेंगे, क्योंकि अब हमें इसे पीसना है। बहुत मोटा मोटा पीसना है दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि एकदम चिकना स्मूथ पेस्ट तैयार नहीं करना है, हल्का सा मोटा दरदरा पेस्ट हमें इसका बनाना है। प्याज को भी छील लेंगे और काट लेंगे। ये जो लाल मिर्च है दोस्तों, इसे मैंने गर्म पानी में डुबा दिया था कम से कम 15 मिनट पहले, तो लाल मिर्च बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। प्याज को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। अब मैं इस कैरी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। दोस्तों इस चटनी को आप 3 से 4 दिन तक के रख भी सकते हैं। आप इस चटनी को रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या लंच और डिनर किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। या कोई सा आप नाश्ता बनाते हैं, मान लीजिए आपने ढोकला या इडली बनाया, उसके साथ भी आप खा के देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब मैं मिक्सर के जार में ये बारीक कटी हुई जो मेरी कैरी है वो इसमें ऐड कर रही हूँ, साथ ही लंबे कटे हुए जो प्याज हैं वो भी हम ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी खड़ा धनिया। खड़ा धनिया डालने से दोस्तों बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में। मैं जीरे का यूज़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जीरे का यूज़ मैं बघार में करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरा नहीं डाला है, सिर्फ खड़ा धनिया डाला। आप ज़रूर डालें, खड़े धनिए का जो फ्लेवर होता है उससे इस चटनी में एक अलग ही टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है, और 6 से 7 लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी मुझे कटोरे में, आप देख रहे हैं 2-3 लाल मिर्च बची है, ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने हटा दिया है उसे। लाल मिर्ची डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब दोस्तों मैंने इसे थोड़ा सा मोटा मोटा पिसा है, रफली इसे पिसा है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है हमें, क्योंकि छोटे छोटे से जब कच्चे आम के और प्याज के छोटे टुकड़े आते हैं मुंह में, तो इसे खाने में और भी मज़ा आता है। तो ये हमारी प्याज और कैरी की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूड़ी पराठे किसी के भी साथ खाइए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इसे खाकर। अब इस चटनी को आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, या कभी कभी मैं इस चटनी में हल्का सा बघार भी डालती हूँ। तो आप दोनों ही तरीके से बनाएं, कुछ हिस्से में आप प्लेन रखें और थोड़े से हिस्से में आप बघार डालकर भी टेस्ट करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा बघरी हुई चटनी खाने में भी। तो अब मैंने दोस्तों क्या किया, एक फ्राई पैन रखा है और उसमें 1/2 छोटी चम्मच तेल डालना। हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि सिर्फ हमें बघार के लिए चाहिए। तेल भी दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का लिया है। सरसों के तेल से दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आती है, परंतु मान लीजिए आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप सादा मीठा तेल भी ले सकते हैं। अब राई कड़कने लगी दोस्तों, तो मैंने एक खड़ी लाल मिर्च डाल दिया है, ताकि हमारी चटनी दिखने में भी बहुत अच्छी लगे। और इस राई और जीरा जो कि बहुत अच्छी तरह से कड़क गया है, चाहे लाल मिर्च भी हमारी थोड़ी सी लाल सी हो चुकी और ज़्यादा, अब इस बघार को हमें अपनी चटनी के ऊपर डालना है। बस गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। यदि आप इतना सा भी तेल नहीं खाना चाहते हैं तो आप बिना बघरी हुई चटनी भी खा सकते हैं, ऐसी प्लेन चटनी भी ले सकते हैं, परंतु एक बार बघार के साथ भी आप खा के देखें दोस्तों, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस प्याज और कैरी की चटनी को घर पर बनाइए और खाइए, और मुझे फीडबैक जरूर दें कि कैसा लगा आपको। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते हैं।